बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करेंगे। लोकसभा में आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 पेश, और ऐसे में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आर्थिक सर्वे पेश किया। आपको बता दें कि वित्त वर्ष 2025 में जीडीपी ग्रोथ 6.5 से 7% रहने का अनुमान जताया गया है। वित्त मंत्री ने पेश किया आर्थिक सर्वेक्षण, और ऐसे में आर्थिक सर्वे की रिपोर्ट आई है सामने, तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। ये अनुमान है कि 2024-25 में 6.5 से 7% अर्थव्यवस्था रहेगी, वृद्धि इसमें होगी। इसके अलावा देखिए, तमाम बड़ी बातों का जिक्र यहां पर किया गया है। और इसी के साथ, क्योंकि फोकस सरकार का जीडीपी पर है, जीडीपी ग्रोथ कैसे हो, और ये जो सर्वे पेश किया गया इसमें वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की तरफ से इन तमाम बड़ी बातों का जिक्र किया गया है। अनिश्चित वैश्विक आर्थिक प्रदर्शन के बावजूद घरेलू वृद्धि चालकों ने वित्त वर्ष 2023-24 में आर्थिक वृद्धि को समर्थन दिया है। इसके अलावा भू राजनीतिक तनाव बढ़ना तथा उसका प्रभाव आरबीआई की मौद्रिक नीति के रुख को भी प्रभावित कर सकता है, तो बड़ी बातें आपको बता रहे हैं। और इस दौरान देखिए किस तरीके से तमाम बड़ी बातों का जिक्र वित्त मंत्री की तरफ से किया गया है। कल क्योंकि बजट पेश किया जाएगा, इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी आपने सुना, और उनकी तरफ से कहा गया कि जो बजट होगा ये भारत के सपनों का नींव रखने वाला बजट होगा। किस तरीके से देश को आगे लेकर चलना है, जो सपना है हिंदुस्तान का, उसको कैसे पूरा करना है, इस बजट में खास ख्याल इन तमाम बातों का रखा जाएगा।